हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेजुएशन का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए एक अलग एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, थ्योरम पूछी जाती है, तो आपको सीधी सी याद रखनी होती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो ये आपको एक स्कोरिंग टाइप आप मान सकते हो कि पहले आप ये अटेम्प्ट कर लो, 40 टीचिंग मेथड के अटेम्प्ट कर लो, फिर 11, 12 सीनियर सेकेंडरी पोर्शन के फॉर्मूला, बस जो जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे वो कर लो। एक ग्रुप थ्योरी में कहूंगी कि जैसे मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है ये, क्योंकि इसमें अगर आपने समझ लिया ना, तो ना तो कुछ बहुत ज्यादा याद रखने वाला है, ना बहुत कुछ सोल्व करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक चार पांच एग्जाम्पल होते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं। तो ग्रुप थ्योरी बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, तो मैंने इसी प्यारे से सब्जेक्ट से शुरुआत कर दी। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ग्रेजुएशन का पढ़ते चलेंगे। बहुत सारों की डिमांड ये आएगी, उनको पहले ग्रेजुएशन का पोर्शन करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हम वीकली कब, जैसे ग्रुप थ्योरी कंप्लीट मैं कर लूंगी। वैसे मेरा एक रहता है कि मुझे एक टॉपिक पूरा कवर कराने से पहले चैन नहीं पड़ता है। तो आप जो है अपने हिसाब से जो है ग्रेजुएशन के पोर्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बीच में सीनियर सेकेंडरी जैसे भी मुझे टाइम देगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। ओके, तो स्टार्ट करें ग्रुप थ्योरी। यस, तो ग्रुप थ्योरी सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कि एक द्विआधारी संक्रिया क्या है। समूह सिद्धांत हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप क्या होता है ये पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। जब हम द्विआधारी संक्रिया समझेंगे तो हम समझेंगे कि तत्समक क्या होता है, तत्समक समझेंगे तो फिर हम समझेंगे इनवर्स क्या होता है। ताकि जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहां पर यही है परिभाषा में, उसके तत्समक और इनवर्स आ जाएंगे। तो हम पहले समझे तो सही कि ये क्या चीजें होती है, क्लियर ना। तो हर एक लाइन हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया। किसी समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है, से रूल, जिसके अंतर्गत S का प्रत्येक अवयव S के द्वितीय अवयव से संबंध हो। यानी कि जैसे इसको आप देखो कि जो बाइनरी ऑपरेशन है इज इन सेट S की जो ऑपरेशन है, इट्स अ रूल। ठीक है, क्या नियम है कि S into S से वापस किसमें आप इस नियम को लगा रहे हो, एस में। यानी कि इस ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, यानी कि ए और बी समझो इसको। नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में कुछ भी मत फंसना, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कुछ टेंशन नहीं लेना। देखो, ए और बी जो दो एलिमेंट्स है एक सेट के, ठीक है, दोनों ही उसी सेट के हैं, एक ही सेट की बात हो रही है, बाइनरी ऑपरेशन है, ने सेट ए की है। ओके, क्लियर ना। ओके, तो ए और बी दो एलिमेंट्स है, बहुत ही बेसिक से चलेंगे। दो एलिमेंट्स है किसके हैं, सेट के हैं। अच्छा, हम जानते हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, हम जब पढ़ते हैं कि भाई बाइनरी ऑपरेशन ए प्लस बी है, यानी एडिशन ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, ए इंटू बी है तो यहाँ ऑपरेशन क्या रखा है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए माइनस बी, ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो ये सारा ये क्या है, संक्रिया ही तो है। अब इसको अलग कुछ भी हो सकती है, संक्रिया किसी भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो ए और बी एलिमेंट जो सेट एस के हैं, और ये संक्रिया लगाने के बाद, जैसे तीन जेड को बिलोंग कर रहा है और पांच भी जेड को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, तो तीन प्लस संक्रिया अगर हम डिफाइन करें तो तीन प्लस पांच कितना हो गया, आठ आया। अगर ये संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी इसी संक्रिया को, सॉरी इसी सेट को बिलोंग करे, तो हम बोलते हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आया, यानी कि एस इंटू एस। एस क्यों लगाया, कि दो एलिमेंट के बीच में, एक एलिमेंट ए है, ये इंटू का मतलब है इसके बीच संक्रिया हो रही है, और ये एलिमेंट बी है एस, दोनों ही एस के हैं, और ये संक्रिया लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, वो भी किसका होगा, एस का होगा, वो एस को बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर नहीं करता है तो हम बोलेंगे ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियरली समझोगे, तो एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा, देखना। देखो, जैसे हमने प्लस वाली ऑपरेशन की कि ए बिलोंग्स टू जेड, B belongs to Z, और हमने एडिशन वाला किया कि A plus B है, वो जो आता है ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है। अब मुझे बताओ, तो ये क्या है, प्लस एक ऑपरेशन जो है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन हुई कि नहीं हुई, हुई। ओके, अब मुझे बताओ कि A belongs to Z, B belongs to Z, और हम जो है व्याकलन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, यानी कि ए माइनस बी। मुझे बताओ, क्या ए माइनस बी जेड को बिलोंग करना जरूरी है क्या,
ठीक है, ए माइनस बी जेड को बिलोंग करना जरूरी। अच्छा आप बोलोगे हाँ भाई जेड में ही होता है, तो मुझे बताओ। अच्छा जेड में तो बिलोंग करना जरूरी है, ठीक है ओके। ये भी एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ओके। फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू एन सेट, अभी जो एस था अब हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। फिर से देखना बहुत प्यारा एग्जांपल, यहीं से बाइनरी ऑपरेशन का खेल खत्म हो जाना है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एन यानी कि एन को बिलोंग कर रहा है, एन क्या है नेचुरल नंबर, बी एन को बिलोंग कर रहा है, बी भी क्या है नेचुरल नंबर, ए और बी के बीच में ऑपरेशन ये है कि ए माइनस बी। मुझे बताओ क्या ए माइनस बी एन को बिलोंग करेगा क्या निश्चित तौर पर? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो हम नहीं भी कर सकता है, अगर कोई एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो इसको बिलोंग नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया? तो अभी देखो, अगर ए 3 है और बी 4 है, 3 और 4 दोनों ही एन को बिलोंग करते हैं, लेकिन ए माइनस बी 3 माइनस 4 इज माइनस 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू एन, इट मीन्स इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि माइनस वन आया जो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। समझे आप कि बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकती है, संक्रिया कुछ भी हो सकती है, अगर उन दोनों एलिमेंट्स के बीच संक्रिया लगाई और जो प्रोडक्ट मिला वो वापस उसी सेट को बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे ये जो संक्रिया हमारी थी, जो ऑपरेशन हमने किया, वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर बात होती है? ठीक है, तो अभी व्यकलन, ये एग्जाम्पल लिखा कि जो व्यकलन है यानी कि माइनस ए स्टार बी, संक्रिया इस टाइप से डिफाइन है, ए माइनस बी, जहाँ ए जेड में तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, बट अगर नेचुरल नंबर में बोले तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ए स्टार बी, अभी देखो, अब आप सोचो कि हम तो इतनी ऑपरेशन जानते, पढ़ते हम ऑपरेशन को शुरू से, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी और ए बाय बी, ठीक है, तो पढ़ते आए हैं इनको ये ऑपरेशन। अच्छा मैं इसको डिफाइन अलग कर दूं, जैसे ए स्टार ये क्या है, स्टार मतलब संक्रिया है, इट्स अ ऑपरेशन, ठीक है। तो ए स्टार बी इज ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी कि जो भी एलिमेंट हमने लिए हैं, और ए और बी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। जैसे मैं ए को 3 लूं और बी को 4 लूं, तो 3 स्टार 4, इसका आंसर क्या आएगा? जैसे 3 प्लस 4 होता है तो वो 7 बन जाता है, 3 माइनस 4 है तो -1 बन जाता है, 3 इंटू 4 है तो 12 बन जाता है, 3 बाई 4 है तो 3 बाई 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है कि आपने ऑपरेशन कौन सा लगाया, अभी हमने ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी। अच्छा ए क्या है, 3 है, पहले वाला ए है, बी क्या है, 4 है। अच्छा 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4, तो 4 3 12 माइनस 12 इज 0, 12 माइनस 12 इज 0, तो यहाँ ए बी बिलोंग्स टू, मुझे बताओ 0 के आर को बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, आप जान रहे हो, ए प्लस बी माइनस ए बी, प्लस माइनस कुछ भी आएगा रियल नंबर को तो बिलोंग करेगा ही करोगे, इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब यहां से आपका जो मिथ कौन सा टूटा है कि आप जो सोच रहे थे कि भाई प्लस माइनस इनटू एंड जो डिवाइड करते हैं ये 4 ही ऑपरेशन होती है, ना, ऑपरेशन को किसी भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कुछ भी कर दे। जैसे ये एक ऑपरेशन है कि ए और बी के बीच ऑपरेशन ये है कि ए बी बाई 2 होगा आंसर, क्या होगा, ए और बी के बीच ऑपरेशन ये है कि ए बी बाई 2 होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ए और बी किसको, इस बार रेशनल नंबर को, जहां ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए बी बाई 2 किया और ये भी क्यू को ही बिलोंग करता है तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और अगर नहीं करता है तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये तो करता है, करेगा ही ना, ए बी अगर रेशनल नंबर है तो ए बी बाई 2 भी एक रेशनल नंबर ही होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए बी जो है बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर से, है ना, आर आर माइनस क्यू कर दू, और ए भी बिलोंग कर रहा है आर माइनस क्यू से, इरेशनल, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है दोनों, तो अब हम बोले कि इनका जो गुणा है वो ऑब्वियसली परिमेय, वापस ए बी बाई 2 ही करा या कुछ भी, तो ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, तो इस बार नहीं रहेगा। जैसे ए अंडर रूट 2 है, बी अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2 विच इज नॉट इरेशनल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अभी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मुझे लगता है ये बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, क्या होता है ऑपरेशन मतलब कुछ भी, समझ में आया, मैं कुछ भी डिपेंड कर दूं, ए जैसे मैं कहूं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट, कोई सा भी हो सकता है, नेचुरल नंबर ले सकते हो आप, रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन उस सेट के जो दो एलिमेंट लेंगे वो उसी सेट के लेंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा, ऑपरेशन कुछ भी हो सकती है, वो अगर उसी सेट में है तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ गया? अच्छा
अब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव रहेगा, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर ए स्टार बी है, ए और बी में संक्रिया लगाए, चाहे बी और ए में संक्रिया लगाए, अगर बराबर आता है तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव है, कर्म विनिमेता। अच्छा, कर्म विनिमेता लिख लेना है यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, कर्म विनिमेता। ओके, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, देन ए बी बिलोंग्स टू। अब आपको पता है ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात एक ही है, मतलब ये कम्यूटेटिव होता है। ए इंटू बी करो या बी इंटू करो, ये भी क्या होता है, कर्मविनिमेय होता है। लेकिन ए माइनस बी, क्या बी माइनस ए के इक्वल आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो 1 आया, 3 माइनस 4 क्या आया था, -1। इसका मतलब ये कर्मविनिमेयता को फॉलो नहीं करती। ऐसे ही क्या ए बाई बी, ए बाई बी बी बाई ए के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी कर्म नियमता को फॉलो नहीं करती है। मुझे लगता है कर्म नियमता आपको समझ आ गई है। चलो आगे चलते हैं, हम और कुछ चीजें समझते हैं। यस, पूर्णांकों का समुच्चय जेड में व्यकलन सक्रिया कर्म नियमय माइनस वाली कर्म नियमय होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो ये हम पहले समझ लिए। अब देखो, द यूनियन ऑफ एंड इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट और पावर सेट ऑफ ए सेट इज कम्यूटेटिव, यानी कि जो किसी भी समुच्चय का जो घात समुच्चय है उसके यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि वो क्रम विनिमेय को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी ले हो, यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, या बी इंटरसेक्शन ले हो, मुझे बताओ इनका दोनों का मतलब क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में चीजें कॉमन होती है, तो पहले लिख दो उसे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो ये क्या है, क्रम विनिमेय है। ऐसे ही ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए, मुझे बताओ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो ये, अब इनको कुछ याद नहीं करना, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा, याद करना है क्या? नहीं करना, तो ये सारे की सारी चीजें कुछ भी याद नहीं करना है अभी तक, तो ठीक है। ऐसे ही पूरी ग्रुप थ्योरी हम समझेंगे, केवल याद कुछ नहीं रखना है, मतलब याद यही अगर आपको समझ आ जाता है कौन सा, लेकिन हर बार पढ़ना है आपको चीजें, हर बार पढ़नी है, हर बार खुद से सोचना है, क्योंकि हो सकता है एक बार जो चीजें समझ आ गई है हम भूल भुला जाए, ठीक है। भूलना इंसान का एक बहुत ही प्यारा गुण होता है, प्यारा गुण, ठीक है, ये गलत नहीं है। अदरवाइज तो हमारे जीवन में ऐसे हादसे होते हैं बहुत सारे, अगर हम उनको भूल नहीं पाए तो आगे कैसे बढ़े, ठीक है, तो ये प्यारा गुण है। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन, साहचर्य संक्रिया। जब भी एसोसिएटिव की बात कर रही है ना, तो आप तीन एलिमेंट ले लो, भाई ए बी सी तीन ले लो, आप क्या करो कि ये ए स्टार बी स्टार सी एक साइड लिख लो, ए स्टार बी स्टार सी। आपको क्या करना है, पहले ऑपरेशन ए स्टार बी में लगाना है, यानी कि इन दोनों में ऑपरेशन लगाया, इसका रिजल्ट आया, फिर सी के साथ ऑपरेशन किया, तो इधर फिर पहले बी और सी के साथ ऑपरेशन करो, फिर ए के साथ ऑपरेशन। तो अगर दोनों का रिजल्ट बराबर आए तो हम बोलते हैं साहचर्य है। याद रखो, इसके लिए एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट ले लो, कि ए स्टार बी पहले दो के लगा दो और ये लास्ट दो के लगा दो, अगर दोनों बराबर है इट मीन्स ये साहचर्य है। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5, पहले 3 और 4 को जोड़ो 7, फिर 5 जोड़ो 12। अगर ऐसा नहीं हो के ऐसा होता 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 को जोड़ा 5 और 9, 9 और 3 भी कितना है 12। इट मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है, ये साहचर्यता का गुण। अभी 3 माइनस 4 माइनस 5, इन दो को माइनस करो तो आया 3 में से 4 माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6। अच्छा, 3 माइनस 4 माइनस 5 इसको करो 4 माइनस 5, और इधर 3 माइनस 1 इज 2, क्या इक्वल आया क्या? नहीं, इट मीन्स ये साहचर्यता को फॉलो नहीं करता है। तो आपको समझ आ गई क्या ये प्रॉपर्टी? तो अब है ना, हम जब भी ग्रुप पढ़ेंगे इन सब की बात करेंगे कि ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल ग्रुप, सामान्य, कॉसेंट ग्रुप, सब में, तो ये बातें हमेशा याद रखना। फिर भी मैं वापस से रिवाइज कराऊंगी, रिकॉल करेंगे हम, तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, आराम से मजे मजे में इस वीडियो को देखना, सारी ग्रुप थ्योरी यूं ही क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या है, मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ती थी तो आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में, हाँ मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो बेस अच्छा हो गया था, लेकिन ग्रेजुएशन का जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को ग्रुप थ्योरी समझ नहीं आती है, बट मुझे ये प्यारी, मेरे लिए ये फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है इसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो इसमें कुछ याद, ये सबका फेवरेट होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, अब ये सारी चीजें आप जानते हो भाई, ऐसा होता है हमने अभी देखा, बट ऐसा ये नहीं होता, ये इसको फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करेगा, दो में यूनियन लेके तीसरे का यूनियन ने तीनों को ही साथ कर लिया, ये भी होता है, इंटरसेक्शन वाला भी होता ही है भाई, दो में इंटरसेक्शन, दो में जो कॉमन है, यानी कि
तीनों के लगा है, चाहे कहीं लगा लो, अब तीनों में जो कॉमन है वो लेना है, ठीक है। ये है, अब जैसे ये एक ऑपरेशन दे रखी कि एस स्टार बी इज ए बी बाई टू वेयर एन बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्या ये सहचारी संक्रिया है क्या? तो आपको सहचारी संक्रिया के लिए मैं तो बोलूँ ये तीन, पहले मैंने क्या बनाया ए स्टार बी स्टार सी, इधर भी मैंने बनाया ए स्टार बी स्टार सी। अब मैंने कहा कि अच्छा पहले मैं इन दोनों के लिए कर लूँ और पहले मैं इधर इन दोनों के लिए, ठीक है। इन दोनों पे ऑपरेशन लगाया तो AB by 2, AB by 2 आ गया। अब C के साथ ऑपरेशन लगाना है, यानी कि अब मेरा A क्या बन गया, A पूरा A है, ये क्या है पूरा B है, तो AB by 2, तो this into this by 2, तो ABC by 4 हो जाएगा। अच्छा इधर लगाओ, देखें BC में लगाओ, इधर BC में लगाया तो BC by 2, अब ये मेरा A है ये मेरा B है, तो दोनों को मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड, तो क्या ये ABC by 4, ABC by 4 इक्वल नहीं है क्या? इक्वल ही तो है, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है एसोसिएटिव है। क्लियर है, समझ आ गई बात? तो ये अब बहुत ही प्यारा प्यारा कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए ऑपरेशन संक्रिया का तत्समक। आइडेंटिटी हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों समझो, हिंदी वाले इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश वाले हिंदी सीखना है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एन ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम इनवर्स ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, तो भी पहला आइडेंटिटी अवयव अगर अपन को पता होगा तो हम इनवर्स जो है इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज इनवर्स जब तक हमें समझ नहीं आएगा जब तक हम आइडेंटिटी नहीं समझते। आइडेंटिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर एक ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेशन के साथ लगा भी देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है, ऑपरेशन के साथ कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो ऐसा एलिमेंट इफ स्टार इज एन बाइनरी इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन एस If there exists, ये किसका सिंबल है? देखो शॉर्ट में लिखने के लिए मैथ्स में इनका यूज किया, आप जानते होंगे वैसे, तो फिर भी मैं बता दूं कि there exists, इसका मीनिंग है there exists, जहां ये विद्यमान है, क्या? There exists an element even, एक एलिमेंट इवन एग्जिस्ट है कि सच दैट इवन स्टार है। अगर इवन और ए के मध्य वो संक्रिया कराई जाए तो इवन कहीं आता ही नहीं है, ये का ये आ जाता है ए का आई। For all A belongs to, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है। अगर उस for all, ये मीनिंग है ऐसे उल्टा है जो होता है, उसका मतलब होता है for all, यानी सभी के लिए। अगर S के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, अगर सभी के लिए ऐसा फॉलो कर रहा है, then even is called left identity। अभी देखो ये left identity, क्योंकि left में even लगाया तो ये left identity of the star, कि ये वाम तत्समक हो जाएगा। समझ में आया? एक तो ये चिन्ह समझ लो, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा देयर एग्जिस्ट, यानी ऐसा विद्यमान है, और ये होता है फॉर ऑल, यानी कि सभी ए के लिए, जो जो ए चाहे कोई सा भी एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कोई सा भी एलिमेंट उठा के देख लो, अगर ये ऐसा आ जाए ए स्टार इवन, अच्छा इस बार इवन की दायरा है राइट में, तो ये अगर इसके साथ संक्रिया करी वापस ए का आई आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इवन राइट आइडेंटिटी है, कौन सा दक्षिण तत्समक है, और ये क्या है वाम तत्समक है, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। फिर बोलते हैं कि अच्छा अगर किसी भी अवयव किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी तत्समक एग्जिस्ट है तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों बराबर होंगे और दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो ही हम बोलेंगे कि इस संक्रिया का आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने पहले बोले थे लिमिट में, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कि इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों का मान बराबर हो तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों बराबर हो, कि लेफ्ट आइडेंटिटी भी एक आया राइट आइडेंटिटी भी एक आया, एक आना जरूरी नहीं है, ये तो गुणा संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए एक आएगा, ठीक है। बाकी अब हम समझते हैं, ठीक है, आएगा तो एक ही होगा, समझ में आ गए। हम सभी जगह ये स्टार लगाएंगे ना, बार बार नहीं लगाएंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आपको समझना है कि स्टार का मीनिंग एक द्विआधारी संक्रिया है, हर जगह कि स्टार आ गया, इट मींस आप समझ जाओगे कि इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ओके। तो यदि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया एस में है, कोई एक सेट में ही तो डिफाइन कर रहे हैं हम, एस में एक अवयव ऐसा विद्यमान है, देखो पिछली बार देयर एग्जिस्ट, ऐसा विद्यमान है कि इवन, ये हिंदी में इवन स्टार ए इज ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अच्छा मैं पेन नहीं चला रही, आपसे कहां बोला जा रहा है, इवन स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इवन स्टार में एक वाम तत्समक होगा, वाम यानी इधर है तो वाम लेफ्ट वाला, ठीक है। इसको बोला भाई ए स्टार ई
ई इसके साथ लगाया फिर भी ए आ गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, इट मींस ई इज द राइट आइडेंटिटी. इफ अ बाइनरी ऑपरेशन हैज अ लेफ्ट आइडेंटिटी एज वेल एज अ राइट आइडेंटिटी, देन दीज टू आर इक्वल. लेफ्ट आइडेंटिटी रख रहा है, राइट आइडेंटिटी रख रहा है, तो दोनों के दोनों आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? इक्वल. फिर हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इस संक्रिया का आइडेंटिटी. क्लियर होता है आपकी बात? अच्छा, अब हम कुछ समझेंगे. सबसे पहले तो इस ऑपरेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, हम हमारे ऑपरेशन पे जाएंगे कि अच्छा मुझे बताओ, मल्टीप्लीकेशन इज हमारी बाइनरी ऑपरेशन, ये है कि ए स्टार बी इज ए बी, ये हमने डिफाइन कर दिया. ए क्या है? गुणा है, लेकिन हमने स्टार लिखा क्योंकि हम अब गुणा, हम छोटे बच्चे नहीं है, हम अब इसको ऑपरेशन बोलते हैं, नॉट गुणा. ठीक है? तो ए स्टार बी इज ए बी, मैं बोलूंगी जब भी आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है तो बी को आप ई लिख दे, तो आप लिखोगे ए स्टार ई इज ए ई, ये गुणा ही तो है दोनों के, ए बी और गुणा का, तो यहाँ ई है तो ए ई. अच्छा, अगर ये आइडेंटिटी होगा तो वापस क्या आ जाएगा? ये का ये, ई तो आइडेंटिटी है, ये का ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए तो ए से ए हो गया, कैंसिल हो गया, ए का इधर डिवाइड कर दो ए बाई ए, ई का मान कितना आया? वन. इसका मतलब इस संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी आया वो क्या आया? तत्समक अवयव क्या आया? एक आया. अच्छा, हम जानते नहीं है कि गुणा दो को एक से करोगे तो एक, यानी किसी, सॉरी, दो किसी भी संख्या को एक से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो वही संख्या आ जाती है, यही तो आइडेंटिटी होती है, और हमने डेफिनेशन से निकाला भी. तो आपको ऑपरेशन ये इतना इजी नहीं है. अच्छा, प्लस के लिए कर लो एक बार. हमने कहा कि भाई प्लस के लिए ए जो आइडेंटिटी हमने, सॉरी, ऑपरेशन हमने इस टाइप से डिफाइन किया, ए स्टार बी इज ए प्लस बी. हमें इसका आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है, हम नहीं जानते कि जीरो होता है या क्या होता है. ठीक है? हम फाइंड आउट. मैंने कहा कि आपको जो अभी ऑपरेशन आएगा, ये एक चीज लाइन याद रखनी है. क्या याद रखना है? बी इज एन आइडेंटिटी. तो ए बी को ई लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी क्या है? ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा है? ई. मुझे बताओ आइडेंटिटी अगर ये है तो क्या आएगा? ए का ए ही आएगा. तो अगर ए का ए आएगा तो ये ए को इधर भेजा तो ई क्या आया? जीरो आया. क्या जीरो नहीं होता है प्लस का? पांच प्लस जीरो इज पांच, यानी कि अगर किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ोगे तो वो की वही संख्या आ जाएगी. तो आइडेंटिटी यही तो होता है. क्लियर बात? अब ये तो हम जानते. अभी आपको बताना है संक्रिया ये परिभाषित है, तो बोलो इसके लिए आइडेंटिटी क्या है? तो इसके लिए रटना नहीं है कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, आ जाने दो कोई ऑपरेशन. मैंने तो क्या बोला कि भाई आपको जो है ना बी वाले को ई लिख दो, फिर लगाई ए बी की जगह ई बाय टू. क्या आता है ऑपरेशन लगाने के बाद? वो का वही एलिमेंट किसके साथ? ई के साथ लगाया क्या? ए, यानी कि ए का ए ही आ जाएगा. अच्छा, ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, ई कितना आया? टू आया. इट मींस इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी क्या है? टू है. क्या है इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी? टू है. चाहे लेफ्ट कर लो चाहे राइट कर लो, क्योंकि ये तो गुणा में है ना, आपको ए बी करो चाहे बी ए करो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव है ना. ठीक है, तो इसका मतलब ई क्या आया? दो आ गया. तो मुझे अब देखो, हम अगर इसके साथ संक्रिया कराए तो क्या वो का वही आ रहा है क्या? तो अच्छा, ए स्टार बी, अब दो हमें पता चल गया आइडेंटिटी है, तो क्या था? ए इंटू दो बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट, क्या आया? ए आया. आ गया, सही है. तो ऐसे निकालना, चाहे कुछ भी संक्रिया दे दे, किसी भी टाइप से डिफाइन करके दे दे, आपको बी की जगह ए लिख दो और लास्ट में आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन किया, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन किया मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. द आइडेंटिटी फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट इफ इट इज एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करना भी जरूरी नहीं है, किसी किसी के लिए नहीं भी करता है, तो अगर ये करता है तो ये क्या होगा? यूनिक होगा, यानी कि तत्समक अवयव अगर होता है तो ये अद्वितीय होता है. अगर एक से ज्यादा आया तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट आइडेंटिटी, इट इज नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है. ठीक है, एक देखो, स्टार इज एन जेड, जेड में ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, मैं इसे लिखी स्टार इज इन जेड, यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जो जेड में है. ठीक है, तो ए स्टार बी को हमने मोड ऑफ ए के मोड लगाया और बी लगा. अच्छा, तो हमने कहा कि इसका हमें आइडेंटिटी ढूंढना है, तो मैंने कहा अगर आइडेंटिटी ढूंढना है तो आप है ना लेफ्ट राइट दोनों चेक करना है. देखो यहाँ पे तो पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था,
जो आइडेंटिटी गुणा ही था a इंटू बी बाई टू वही था। अब इसमें देखना है आपको b की जगह e रखो, e रखा तो आएगा मोड ऑफ a इंटू e, ये वापस क्या आना चाहिए, मोड ऑफ a ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो कि मोड ऑफ a आए, अभी इसको देखना, इसको देखना, अगर ये e इधर होता, ठीक है, इधर e होता मोड ऑफ ए आया, इट मीन्स जो मोड ऑफ ए तो ये है ही दो एलिमेंट ना, मोड ऑफ ए का मतलब ये प्लस ए भी हो सकता है और ये माइनस ए भी तो हो सकता है। ठीक है, अगर अगर ये इधर हुआ, राइट, इन लेफ्ट आइडेंटिटी देखना इसकी, अगर ये ई इधर हुआ तो हम बोलेंगे ई स्टार बी इज ई मोड ऑफ ई और बी। ठीक है, तो मोड ऑफ ई ये क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये मोड ऑफ जो है ना, वन भी बिलोंग कर रहा है जेड को और माइनस वन भी बिलोंग कर रहा है जेड को, अगर वन है आइडेंटिटी तो भी मोड ऑफ वन किया तो भी वन ही आएगा, तो बी का बी आ जाएगा, अगर माइनस वन भी है तो मोड के अंदर वापस बाहर जाएगा तो माइनस मोड वन का मान कितना आता है, वन ही तो आता है, तो ये भी बी। इसका मतलब दो आइडेंटिटी आ रहे हैं, वन और माइनस वन, और दो आइडेंटिटी आते हैं जब हम क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, आइडेंटिटी ही नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आप सोचो कि ये e mod of a by mod of a, तो इनमें से कोई भी a greater than 0, तो अगर a greater than 0 है तो mod of a is a, और अगर a less than 0 है equal to b there, तो mod of a is minus a। ठीक है, तो इसके 1 और minus 1 दो आइडेंटिटी आ गए। ठीक है, अरे भाई जब मोड ऑफ ई लगाएंगे इंटू बी लगाएंगे तो ई का मान 1 होगा तो भी बी का बी आ जाएगा, अगर माइनस वन है तो माइनस वन का मोड अगेन 1 ही होता है तो बी का बी आ जाएगा, तो दो आइडेंटिटी आ गए 1 और माइनस वन। अब आपको यहाँ पे ये कुछ अलग है, देखो जो चीजें अपन जो सीखे हैं उससे हटकर चल रही है तो उसको हमेशा माइंड में रखना है, मोड को हर जगह ही माइंड में रखना है, मोड आ जाए मतलब प्लस माइनस याद रखना है। जैसे अंडर रूट आता है, अंडर रूट एक क्वेश्चन किया था हमने, अंडर रूट कोस एक्स आया तो हमने कहा कोस एक्स का मोड लिखा, ये प्लस कोस एक्स भी होता है और माइनस कोस एक्स भी हो जाता है, फिर मैंने कहा इसका ग्राफ देखो, तो हमने जो ग्राफ देखा उसमें कहा कि ये यहाँ पे पाई बाई टू तक तो ये क्या था, प्लस में था, और पाई बाई टू से नीचे ये नेगेटिव में है तो माइनस कोस एक्स आएगा। ठीक है, वहां लिखे कि नहीं लिखे थे, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो भी चीज आपको अलग लगे ना, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ ना तो अलग से उसको लिख लो, एक आप हमेशा नोट्स तैयार करो, एक तो डेली रिवीजन के लिए अभी आपके पास टाइम है, जैसे उपेन यादव घोषणाएं करता रहता है तो अभी घोषणा जो हुई उसके अकॉर्डिंग ऐसे बोले कि जनवरी अगले हमारे को आश्वासन दिया गया है कि जनवरी में विज्ञप्ति आएगी और 6 महीने का फर्स्ट गेट के लिए टाइम मिला है, तो मुझे लगता है 6 महीने का टाइम बहुत होता है, अगर आप डेडिकेट होके 2 महीने भी पढ़ाना तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मैंने पढ़ाई की 2 महीने अभी, बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करना, मतलब पूरे टाइम अगर आपके पास पूरा टाइम है तो यूटिलाइज करो उसको। ठीक है, तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो दो प्रकार के नोट्स बनाना है, एक ऐसे जैसे ये अलग आया भाई, ठीक है, तो उसको अलग से लिख लो कि भाई ये मुझे ध्यान में रखना है अलग से, बाकी तो जो एक रूल से चल रहे हैं उनका क्या, वो तो हम जानते हैं कर लेंगे। ठीक है, वो चीज है। अब हम जानेंगे इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, अगर हमने आइडेंटिटी जान लिया तो इनवर्स भी जान लेंगे। अब देखो मैंने कहा कि जब भी इनवर्स निकालेंगे अपन पहले क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी, यदि एस के कोई अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए एस में ही एक ऐसा अवयव बी वन विद्यमान है कि बी वन के साथ संक्रिया कराए तो ई आ जाए। ठीक है, B1 के, तो B1 अवयव A का वाम प्रतिलोम कहलाता है, अगर ये इधर हो तो ये वाम में मत जाना, क्योंकि फिर लास्ट में बोलता है कि प्रतिलोम होगा तो यूनिक होगा, वाम और लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे, तो क्या ही जाना है? एक बार समझ लिया अपन ने आइडेंटिटी में पैसेंस से सीखा, अब क्या सीखना है इसका। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि ये होता क्या है प्रतिलोम, बाकी वाम और वो तो सब हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये बोल दिया इधर के, यदि a belongs to s के लिए, तो ये रामलीला लिखी है मैंने, बट आप केवल इस पे फोकस करें, a belongs to s के लिए ऐसा अवयव b2 विद्यमान है कि इधर हो तो प्रतिलोम, कि वापस आइडेंटिटी आ जाए। हम एक जो एग्जांपल हम जानते हैं कि मैंने a star b is defined किया a into b, ये है।
इसके लिए अगर हमें प्रतिलोम निकालना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी होगी, तो हम करेंगे भाई बी को ई लिख दो, ए ई, वो आना क्या चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो मुझे बताओ ई क्या आ गया, वन आ गया, गुणा के लिए वन ही होता है। तो पहले हम जैसे गुणा के लिए हमें वन पता है, लेकिन कोई संक्रिया और अलग टाइप की दे दी उसके लिए पता रहेगा, नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या निकालोगे, आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी आ गई ना। अब मैंने कहा कि प्रतिलोम निकालना है, तो अब मैंने कहा कि ए का इनवर्स बी है मान लो, और ये ए बी लगाया तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। ए बी लगाया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, वन है। तो यहाँ पे हमें बी का मान ज्ञात करना है, ए का मान नहीं ज्ञात करना है, इसके प्रतिलोम का ही तो मान ज्ञात। पी क्या आएगा, ऐसा बी क्या है, तो बी क्या आएगा, तो बी बराबर वन बाई ए। इसका मतलब जैसे 5 का प्रतिलोम क्या होता है, 1/5, कि 1/5, 5 × 5 = 1, ठीक है, यही तो होता है। यानी कि प्रत्येक अगर ए है तो उसका प्रतिलोम क्या होता है गुणा के लिए, 1/n ना। अच्छा ओके, अभी संक्रिया इस टाइप से डिफाइन है, ए स्टार बी इज ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने इसके लिए निकालेगी 0 आई। अब मैं बोलूं कि प्रतिलोम निकालना है, तो बी इसका प्रतिलोम है, तो मैंने कहा कि अगर ए और बी के साथ संक्रिया कराई तो क्या आना चाहिए प्रतिलोम निकालने के लिए, दोनों एक दूसरे का नाश कर देंगे और नाश करके आइडेंटिटी तक ले आएंगे, यानी कि ई आना चाहिए, और प्लस के लिए ई क्या है, 0 है। इट मींस बी क्या आएगा, हमें बी ढूंढना है ना, प्रतिलोम बी है, बी आएगा माइनस ए, यानी कि प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम क्या है, माइनस है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस। किसके लिए, माइनस प्लस के लिए, एडिशन वाली जो है उसके लिए। अच्छा, इफ फॉर ऑल, ये तो आपको समझ आता है, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए इन एस, देन ए इज कॉल्ड इनवर्टेबल एनिमल। यदि प्रत्येक ऐसे अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए उसका इनवर्स है, तो हम बोलते हैं कि जो ए है वो इनवर्टेबल एलिमेंट है, यानी कि इसका व्युत्क्रमणीय है, इसका इनवर्स मौजूद है, ठीक है। ए इनवर्स बी है तो बी आइडेंटिटी आ जाएगा, चाहे बी स्टार ए कहे या ए स्टार बी कहे, क्या जाना है, आइडेंटिटी। योगात्मक संक्रिया में ए का प्रतिलोम माइनस ए होता है, जो हमने निकाल के देता। प्रीमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में प्रत्येक अशून्य संख्या गुणन संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, मल्टीप्लीकेशन के लिए जो ए इनवर्स इज माइनस वन, सॉरी 1/a, हमने अभी डिस्कस किया कि गुणा संक्रिया के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या आता है, ए का 1/a आता है, हमने डिस्कस कर लिया। किसी भी संक्रिया के तत्समक अवयव का इनवर्स फ्रॉम ई होना, ये हमेशा याद रखो भाई, आइडेंटिटी है तो उसको किससे गुणा, उसका प्रतिलोम क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा मुझे बताओ गुणा संक्रिया के लिए वन का जो है प्रतिलोम क्या है, दोनों का गुणा मान लिया बी है, तो इसका गुणा भी क्या आना है, आइडेंटिटी, तो वन आना चाहिए, तो बी भी क्या है, वन ही है। यानी कि आइडेंटिटी का खुद का प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो वो खुद ही होगा, ठीक है। ए स्टार इज तत्समक अवयव व्युत्क्रमणीय होता है, तो किसी भी संक्रिया में तत्समक अवयव तो व्युत्क्रमणीय होता ही होता है, चाहे और यदि कोई भी अवयव का व्युत्क्रमणीय हो का नहीं हो, तत्समक अवयव का व्युत्क्रमणीय होता है। अब वही एग्जांपल जो हमने पहले इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किए थे, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्टार बी इज बी बाई टू इन क्यू प्लस। धनात्मक परिमेय संख्याएं, q प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो हस आपको कभी भी प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो पहले आपको तत्समक अवयव ज्ञात करना होगा। तो पिछली एक्सरसाइज में, यानी कि पिछले एग्जांपल, एक्सरसाइज नहीं, एग्जांपल में हमने जो है तत्समक e बराबर 2 लेके आए थे, लेके आए थे, फिर से कर लो अपने क्या जा रहा है। मैंने कहा कि अगर तत्समक ए स्टार बी इज ए बी बाई टू है, तो मैंने तत्समक अवयव निकालना है, तो बी को ई लिख दो, और ए ई बाई टू वो खुद ए ही आ जाएगा, तो ए से ए कैंसिल आउट, ई क्या आ गया, टू आ गया, ई टू आ गया। जब ई पता चल गया तो आइडेंटिटी इनवर्स ज्ञात कर लेंगे कि ए इन स्टार बी इज ए बी बाई टू, और ए बी बाई टू वैसे तो ए बी बाई टू है, लेकिन ए बी बाई टू का मान किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर, क्योंकि ये बी इनवर्स है। तो आइडेंटिटी कितनी है, 2 है, 2 को इधर मल्टीप्लाई क्या करो हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा हमें तो बी ज्ञात करना है ना, बी क्या है, तो 4/ है, तो प्रत्येक ए इनवर्स, ए का इनवर्स क्या, ए इनवर्स जो क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा 4/ ए, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, 4/ ए। कर लोगे क्या, समझ आ रहा है क्या, कैसी लग रही ग्रुप थ्योरी। यदि किसी समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया के लिए किसी अवयव का वाम प्रतिलोम दक्षिण प्रतिलोम दोनों विद्यमान हो तो दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स इनवर्स होगा, यदि ये दोनों बराबर है, तो ये रामलीला हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ओके,
अभी ये द रिलेशन ऑफ कांग्रेस मोडुलो एन ये आता है सेकेंड ग्रेड में, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, चलो देख ही लेते हैं कितना टाइम हो गया होगा। द रिलेशन ऑफ कांग्रेस मॉडुलो एन, यदि एन एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है फॉर एनी टू, कितने है अभी, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ना। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो होगा मुझे लगता है ना, तो फिर ये एक और ये वीडियो देखेंगे, फिर देन ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सब मजे मजे में पढ़ना है इसको, बहुत ही प्यारा सा है। और पिछली बार थोड़े 2018 में क्वेश्चन कम आए थे, लेवल गिरा दिया था पेपर का, अगर यहाँ से आता तो सिलेक्शन होने वाले लोग अलग होते थे सेकंड ग्रेड में। फिर भी चलो, पेपर तो कैसा भी आ सकता है, लेवल कुछ भी हो सकता है। मैंने रीट में भी यही बोला था, सबने एक हवा बना रखी थी कि रीट में पेपर टफ आएगा टफ आएगा। तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि 2016 का मैथ सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा है, लेकिन 2018 का वापस ऐसा है। तो ऐसा कोई है नहीं, आप ये ना समझे पेपर टफ आएगा बहुत ज्यादा। तो आप, और ये एक हमेशा ये लाइन बोलती हूँ कि पेपर इजी आए चाहे टफ आए, आपको दोनों चीजें मैनेज करना है। मैंने दोनों एक्सपीरियंस लिए हैं, सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत इजी और फर्स्ट ग्रेड का पेपर बहुत टफ, ठीक है। तो दोनों, रीट का तो मैंने कुछ समझा ही नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए चीजें आपको मैनेज करना होगा, कि किसी भी चैप्टर से इजी भी आ सकता है टफ भी आ सकता है, दोनों चीजें मैनेज करने। जो एग्जाम ये फीलिंग वही समझ सकता है, फिर भी है ना नया नहीं समझता है, वो एक बार वो लड्डू खा के ही मानता है, ठीक है। तो अभी जैसे नहीं होता है उत्कर्ष का कोर्स, तो वो 5,000 एक बार वो लड्डू खा के ही मानेंगे, ले खा ले लड्डू फिर समझ ले, ठीक है। तो वो लड्डू खा के ही मानते, समझते नहीं। चलो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।